फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का? के क्यू वन की टू डिवाइडेड बाई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेयर क्यू वन की टू आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन द फोर्स एंड इन पोटेंशियल एनर्जी क्यू वन की टू वी हैव टू पुट विद साइन। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस न्यूक्लियस के चारों ओर वो सर्किल, इस सर्किल में घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? दिस लगेगा। न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इट्स, अगर ये डिस्टेंस आर है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? इसका चार्ज मान लो क्यू वन है, इसका चार्ज मान लो क्यू टू इक्वल टू माइनस वन, और इसमें मान लो क्यू वन में जेड की वैल्यू फोर है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा? प्लस फोर ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल सकते हैं हम, के फोर ई वन ई मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। मतलब ये फॉर्मूला हम एटम्स पे भी अप्लाई कर पाएंगे, रदरफोर्ड्स ने जो मॉडल दिया है वहां पे भी एप्लीकेबल है। एग्री? जी सर। तो इसको ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये स्टैटिक चार्जेस जो रखे हैं उसके लिए ही एप्लीकेबल है, ये इस तरीके की सिचुएशन में भी एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया था वेवलेंथ एक्सेट्रा। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या लिखी थी बोलो? वेवलेंथ लैम्डा इज व्हाट, कैन यू टेल मी? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लस्टर ग्राफ्स। ये यहां से वेव स्टार्ट हुई है और यहां पे अपने आप को रिपीट कर रही है, दिस इज ऑल्सो वन लैम्डा। नाउ इसमें ध्यान देना तुम लोग दो तीन बातों का, किसी को कहीं पे नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। ये पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था, जो नहीं आए हैं बोल सकते हैं कि सर ये नहीं सुनना। ये जो पीक होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ।
तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। दिस डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा। और यू कैन से दिस दो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस भी जो है वो क्या है, लैम्डा। तो इस बात को ध्यान रखना, हाँ इस पे आंसर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। यूनिट क्या होगी, मीटर डिस्टेंस है ना, और सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम। मीटर इज द एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट। मीटर इज द एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट। वेवलेंथ पता चल गई, वेव नंबर न्यू बार, क्या बोलते हैं इसको, न्यू बार। दिस डिनोशन इज न्यू, दिस इज कॉल्ड न्यू एंड दिस इज कॉल्ड बार। न्यू बार, न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जैसे मैंने ऐसे बना दिया और मैंने आपको बोला यहां पे एक भी हुई, यहां दो, यहां तीन, और ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे कि वेवलेंथ कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग वेवलेंथ कितनी आएगी, 1/3 सेंटीमीटर, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर आर 3 एंड द वेवलेंथ इज 1/3 सेंटीमीटर। सो पहली डेफिनेशन तो लिख सकते हो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सेकेंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ वेव्स, इसकी डेफिनेशन जो है उस वेव नंबर जो नाम है उसी से आ रही है, द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी 1 सेंटीमीटर में, 1/λ। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इन लैम्डा सेंटीमीटर नंबर ऑफ वेव्स, लैम्डा सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव होती हैं, कैन यू टेल मी, लैम्डा सेंटीमीटर में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, इफ द वेवलेंथ इज इन सेंटीमीटर, लैम्डा डिस्टेंस में कितनी ट्रेवल करती हैं, लैम्डा डिस्टेंस, सेंटीमीटर तो यूनिट हो गई, सेंटीमीटर छोड़ भी दो, इन लैम्डा डिस्टेंस नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, 1 or 2, 1 ना, थोड़ा ऊपर करिए ना, देख सर ऊपर का लिखना है, हाँ अभी 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 लिखाता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन किया है ना इसको थोड़ा समझ लो,
फिर मैं सबको टाइम दूंगा लिखने का। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा है क्या कि लैम्डा डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, वन और टू? वन। सो यूनिटरी मेथड से जाओ, सो इन यूनिट डिस्टेंस नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, बोलो जल्दी से, वन बाय लैम्डा होंगी कि नहीं होंगी यूनिटरी मेथड से? इसीलिए जो यूनिट डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन से न्यू बार। सो न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा, इट्स जस्ट रेसिप्रोकल। आप इसको नोट कर लो, देखो ऊपर वाला लिखा होगा आई थिंक, वेवलेंथ तो लिखाया था पिछली क्लास में, ध्यान से नोट करें, जो भी डाउट आ रहा है उसको पूछें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है और नोट कर लिया, दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज इसका यूज पूरी केमिस्ट्री में होगा, पूरी फिजिक्स में होगा। सर वो ना यूनिट डिस्टेंस क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस का मतलब है एक सेंटीमीटर और एक मीटर, जितनी भी डिस्टेंस ले रहे हो वो यूनिट होनी चाहिए। यूनिट मतलब होता है एक, पर सेंटीमीटर पर मीटर। जैसे वेवलेंथ तुम्हारी सेंटीमीटर में, तो हम डिस्टेंस सेंटीमीटर में ले लेंगे। यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, वन सेंटीमीटर। यूनिट मतलब होता है एक वैल्यू, वेयर द वैल्यू इज वन। लाइक जैसे हम डिस्टेंस कवर करते हैं 50 किलोमीटर हम गए, तो इफ वी आर डिस्क्राइबिंग द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स देन द यूनिट डिस्टेंस विल बी 1 किलोमीटर, इट्स अपॉन यू, बट हमेशा उसकी मैग्नीट्यूडनल वैल्यू 1 ही होगी। यूनिट यू कैन चेंज क्योंकि ये रिलेटिव है, अगर लैम्डा सेंटीमीटर में है तो यूनिट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होगी। अब इसका मैं तुम्हें नोट करवा देता हूं पहले, फिर इस पर क्वेश्चन भी दूंगा। तो समझ में आया, मीटर भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान देना, मैं वेव बना रहा हूं ऐसे, ये वेव जा रही है आगे। पहले बताओ ए से लेकर के बी पॉइंट तक कितनी वेव्स हैं, हाउ मेनी वेव्स आर देयर, कैन यू काउंट? ओके, ये दो हो गई और ये एक आधी वेव है ना, कितनी वेव है, नंबर ऑफ वेव्स फ्रॉम या इन ए बी डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं, 3.5। अगर मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है ये सारी मिला के 7 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस, तो बताओ लैम्डा कितना आएगा, वेवलेंथ कितनी आएगी, कैन यू टेल मी वेवलेंथ? एक वेव की, तो सिंपल है, 3.5 वेव्स की डिस्टेंस कितनी कवर्ड करते हैं, 3.5 वेव्स कवर हाउ मच डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर। तो वन वेव कवर कितना करेगी, हाँ 1/7, हाँ वन वेव विल कवर 7 / 3.5, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? 7 टोटल डिस्टेंस है और उसमें 3.5 वेव्स हैं,
एक वेव में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? क्या 2 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी? क्या इतनी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर नहीं होगी? बताओ, मुझे सोच समझ के बताओ। ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये 1 होगी। देखो टोटल मिला के 7 हुई कि नहीं हुई, देख के बताओ। यस सर। पर वो अनइवन क्यों हो गई फिर? कहाँ पे सर? एंडिंग में 1 क्यों आया, बाकी पूरे पार्ट में 2-2 आ रहा था? क्योंकि हमने बनाई आधी है ना, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये 2 हो जाएगी। जितनी वेव ली है सर, तो वो 2 का हाफ लिया था। हाँ, मैंने वेव आधी ली ना, वहां पे मैंने वेव पूरी बनाई नहीं, ये तो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और हाफ वेव है ये। दिस इज हाफ वेव, दिस इज हाफ वेव सर। तो बस उसका क्रेस्ट है ना, सिर्फ उसका क्रेस्ट है, इसको बोलते हैं कि ये हाफ वेव है। हाँ, ये इसका एक लोब है सिर्फ, तो इसीलिए रखना है कि ये आधी डिस्टेंस कवर करेगा सिर्फ 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर लैम्डा आ गया तो बताओ वेव नंबर कितना आएगा? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर, सोच समझ के बताना, नोट करना है तो करते रहो। हाफ होगा। यस, कितना होगा? हाफ, 1/लैम्डा न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा होगा सर, तो 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो हाफ बोला ना, तो बच्चे ने बोला हाफ, वो हाफ सेंटीमीटर मतलब एक पूरा करने में जो टाइम है वो तो आगे आएगा। मुझे ये बताओ, हाफ सेंटीमीटर नहीं, यूनिट क्या होगी? हाफ वेव्स पर सेंटीमीटर, तो यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, हाफ वेव्स पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? हाउ मेनी वेव्स आर इन 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव हैं? हाफ वेव, देखो यस और नो, वेव नंबर समझ पा रहे हो क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स है 1 सेंटीमीटर में? हाफ। देखो 2 सेंटीमीटर में कितनी वेव है? 1 है ना, है? Yes. तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव होगी? आधी। सिंपल है, सिंपल तरीका है। देखो 1 सेंटीमीटर में तो इतनी वेव हो पाएगी ना, 1/2, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव। इसीलिए वेव नंबर कितना आएगा? हाफ आएगा। इसको ध्यान से लिख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर -1 क्यों लिखा? -1 नहीं लिखा होगा, कहीं पे -1 लिख दिया है क्या? सेंटीमीटर इनवर्स वो यूनिट। यस सर। वो पावर है, मतलब 1/सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा उसको लिखते हैं। मतलब न्यू बार का मतलब क्या है? यूनिट होती है इसकी, हाफ वेव्स पर सेंटीमीटर। तो वेव्स तो एक केवल एक वो है, नंबर है, नंबर ऑफ वेव्स। इसको लिख देते हैं हाफ वेव्स, हमें पता होता है वेव्स के बारे में बोल रहे हैं। 1/सेंटीमीटर, 1/सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर इनवर्स, ये इनवर्स है, पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -1, ठीक है? मतलब 1/सेंटीमीटर। अभी समझा? यस सर। ओके, कोई ऐसा है जिसको डाउट हो इसमें? जल्दी बोलो, ऑल ऑफ यू। नहीं सर, डाउट नहीं है, बस सर ऊपर का मेरा एक छूट गया, आप दिखाओगे क्या है फिर मैं बाद में लिखूं। ये कहाँ पे?
नहीं सर, और थोड़ा ऊपर। हाँ सर, बस मुझे आकर लाइन कॉपी करना है सर। नहीं नहीं उतना ऊपर नहीं। ओके लिखो, जो भी बाकी लोग भी लिख लो। देखो भाई, हमारे पास वेव नंबर हुआ है और क्या हुआ है, वेवलेंथ। चार्ज सिस्टम हमने पिछली क्लास में किया था। सबका हो गया डन, अभी बचा है किसी का? सर हो गया। ये जो डायग्राम है ये लिख लिया सबने। वेव्स नंबर जो है वो 1/लैम्डा होता है। न्यू बार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, न्यू और उस पर बार लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू बार। दिस इज वेव नंबर। न्यू बार डिनोट्स वेव नंबर, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर और पर यूनिट डिस्टेंस। नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, उसी में हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है उसको। अब इसमें तीसरी पॉइंट डालो, तीसरा नंबर डालो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मुझे ध्यान से सोच के बताना, फ्रीक्वेंसी नाम से ही समझ में आ रहा है, वेव कितनी फ्रीक्वेंट है, मतलब एट अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second. It is represented by new. इससे represent करते हैं इसको, new, new, सिर्फ new, बार नहीं, सिर्फ new, new, और unit क्या होती है, unit of frequency. नाम से ही समझ में आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी वो क्या होगी, वेव्स पर सेकेंड, वेव्स पर सेकेंड। इसको ही बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज और एच जेड, एच जेड हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है। वेव्स पर सेकेंड और साइकल्स पर सेकेंड, कितनी वेव्स या कितनी साइकल्स पर सेकेंड बनी है। और सिंपली इसको लिख देते हैं पर सेकेंड, क्योंकि सबको पता है वेव्स के बारे में बात हो रही है, तो वेव्स तो एक नाम है सिर्फ, या लिख लेते हैं सेकेंड इनवर्स। तो दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब साइकल्स पर सेकेंड को भी हर्ट्ज बोलते हैं इसको, हाँ, साइकल्स पर सेकंड, यस, साइकल्स पर सेकंड का मतलब ही क्या है, कितनी वेव्स साइकिल बना रही है। ये वेव्स का मतलब ये अलग अलग वेव्स नहीं है, एक ही वेव अगर बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है उसको भी वेव्स में गिना जाएगा, इतने को ही एक वेव बोलते हैं। दिस इज अ वन वेव, दिस इज टू वेव, एक्चुअली यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक वेव दो वेव, this is called waves.
ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बना दी, वो ने बोला कि ये है, तुमने बोला कि नहीं एक ही वेव है, एक वेव नहीं है ये, वन टाइप ऑफ वेव है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है भी जोड़नी पड़ेगी तुम्हें, वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर फाइव, यहाँ पर ऐसा करके, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, पहले नोट कर लो। डन, लिखने लिख के हो गया? सिंपल सा तो है, तुरंत मेरे साथ ही लिख लिया करो ना, समझते हुए। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव्स पर सेकंड, या हर्ट्ज या एचजेड, साइकिल्स पर सेकंड और सेकंड और सेकंड इनवर्स, ऑल द यूनिट्स आर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैं बात करता हूं, उसको बताना ध्यान से। एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से वेव पास कर रही थी, इस पॉइंट से वेव पास कर रही थी, एक वेव गई, ये कोई अपने टाइप की वेव है, एक ये गई, फिर इसी पॉइंट से दूसरी वेव गई। मैं थोड़ा थोड़ा उसको दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, थोड़ा गैप लेके, ताकि समझ में आए, ये दूसरी वेव गई, फिर इसी पॉइंट से एक तीसरी वेव भी गई, ऐसे। ये सब एक के ऊपर एक है, लेकिन चूंकि एक के ऊपर एक बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं ना, इसलिए थोड़ा उसको गैप दे दे रहा हूं। नंबर ऐसे करके फोर्थ वेव भी गई, फिर एक सेकंड के अंदर ही हो रहा है, दिस इज वी आर डूइंग इन ओनली 1 सेकंड। सो इफ इन 1 सेकंड इतना काम हुआ है, देन हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग इन 1 सेकंड? कैन यू टेल मी हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग इन 1 सेकंड? बोलो। फोर वेव्स, 1 2 3 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड क्या है? 4। तो न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी को कई जगह न्यू भी लिखते हैं और कुछ कुछ बुक्स में एफ भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। 4 आएगा, 4 हर्ट्ज आर 4 वेव्स पर सेकेंड, आर 4 सेकेंड इनवर्स। कोई प्रॉब्लम? एनी इश्यू? नोट करो, जल्दी नोट करो। अगर मैं इस तरीके से ना बनाऊं और ऐसे बना दूं, इस पॉइंट को लूं, और मैं बोलूं कि 1 सेकंड के अंदर ये वेव्स देखने को मिल गई, तो अगर मैं इस पॉइंट से ही कंसीडर कर डालूं, 1 सेकंड में कितनी वेव पास करी यहां से? 3.5। हाँ, यहां से जोड़ डालो, 1 तो ऐसे करके तुम देख रहे हो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स हैं? बोलो। 3.5 वेव्स हैं, 3.5 वेव्स। अगर ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर हो तो बहुत सारी चीजें बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी बता सकते हो कितना आएगा? कितना आएगा फ्रीक्वेंसी, सोच के बताओ। 3.5 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, दैट इज 3.5 वेव्स पर सेकंड लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, या 3.5 हर्ट्ज डायरेक्ट लिख लो। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर।
अच्छा फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। कितने नंबर लिखे? तीन। चौथा नंबर लिखो, चौथा नंबर लिखो टाइम पीरियड। क्या होता टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय दी जस्ट वेव। आस्किंग सर, ये पूरा चैप्टर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा अप्रोक्स सर? इस चैप्टर में अच्छा खासा टाइम लगता है बच्चे, ये बिग चैप्टर, मोर देन 1 मंथ यू कैन से, बिकॉज दिस इज द बेसिक चैप्टर। अगर ये किसी को नहीं समझा तो बहुत मुश्किल होगी आगे पढ़ने। आगे के चैप्टर्स थोड़े फास्ट जाएंगे, लेकिन इसको फास्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस सेशंस भी तुम्हारे लगाए जाते हैं ताकि जो यहाँ पे नहीं समझ में आए वो प्रैक्टिस में धीरे से समझा दिया जाए तुम्हें, बिकॉज नहीं समझ में आया तो लॉस बहुत ज्यादा होगा। आई एम टेकन बाय द वेव इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल, तो मान के चलो मोर देन 1 मंथ से कम नहीं लगेगा इस चैप्टर में। टाइम टेकन बाय द वेव इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। हाँ, उसके बाद के चैप्टर्स हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है 10 दिन में खत्म हो सकता है, 10-15 दिन में, है ना। मोल कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी लंबा टाइम लगेगा। सो 11th के चैप्टर्स आर वेरी मच बिगर फॉर यू, बिकॉज 9th-10th में क्या है तुम्हारे लिए, केमिस्ट्री जो है वो एक चैप्टर के बराबर है। द होल केमिस्ट्री जस्ट एनफ फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट्स इट, इतना कम है। तो एक ज्यादा गैप है बिटवीन 10th एंड 11th, तो यू हैव टू कवर दैट गैप टिल जेईई। ऐसा नहीं सिर्फ 11, तुम्हें जेईई के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे विद द सेम। तो टाइम टेकन बाय द वेव इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाई किससे? टी से। अब मैं जो तुमको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसके अंदर इसका यूज करेंगे। उससे पहले बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल। ठीक है, टाइम टेकन इन 1 साइकिल, तो इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होगी एमकेएस में, और मिनट होगी, और किसी किसी चीज के लिए और भी ज्यादा हो सकती है, आवर्स भी हो सकती है, एटसेट्रा। मतलब टाइम की यूनिट्स होंगी जो भी होंगी। अब एक रिलेशन याद रखना, टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, या यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। इसको नोट किया है? तो जैसे मैंने इसके ऊपर सवाल भी देना है, उसके पहले एक और चीज को मैं लिखा देता हूँ। टाइम पीरियड हो गया, 5वें नंबर पे डालो वेव स्पीड। स्पीड क्या होती है, कोई बता सकता है? स्पीड, व्हाट इज स्पीड? कैन यू टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम। अपॉन टाइम इज अपॉन टाइम। तो वेव स्पीड का मतलब वेव की डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगी? वेव वेव की क्या, कितनी स्पीड है, किस स्पीड के साथ वेव चल रही है, किस स्पीड के साथ वेव चल रही है? तो लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। दैट इज यूनिट मतलब एक सेकेंड में या एक मिनट में, जो भी उसकी यूनिट हो उसमें, उसमें कितना वो चली है, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। तो वेव स्पीड को लिखते हैं वेलोसिटी वी से इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है वेव स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला आता है वी इज इक्वल टू एन लैमडा, या वी इज इक्वल टू न्यू लैमडा, वेयर वी इज स्पीड ऑफ वेव, न्यू क्या है बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, लैमडा क्या है वेवलेंथ।
वी इक्वल टू न्यू लैम्डा याद रखना फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कैसे ये फॉर्मूला आया है, सिंपल सी बात है, जो भी डिस्टेंस कवर करेगी उसको लैम्डा के फॉर्म में लिख लेंगे. टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, एक वेव को कंप्लीट करने में टी टाइम लगता है, एन वेव को कंप्लीट करने में एन टी टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, दिस विल गिव यू द फॉर्मूला वी इक्वल टू न्यू लैम्डा. इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. यस सर. वी इक्वल टू न्यू लैम्डा याद रखना. क्वेश्चन दे रहा हूँ, फोटो वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि लिखना नहीं पड़े ज्यादा हम लोग को, और एक क्वेश्चन में पूरा रिवाइज हो जाए. जिसने ये आंसर्स कर दिए दैट मीन्स उसको सारा समझ में आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे. ओके अब ये डिस्टेंस मैंने दे दी 15 सेंटीमीटर, दे दी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दी, और 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस देने के बाद में मैंने तुम्हें बोला कि ये टोटल जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो टाइम लगा है इसमें वो लगा है 12 सेकेंड्स. अब हमसे बहुत सारे सवाल पूछे इन्होंने, इन्होंने हमसे पूछा है लैम्डा क्या होगा, वेव नंबर क्या होगा, वेव स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी दैट इज वेव स्पीड, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इतने सारी चीजें एक साथ पूछ ली. तो पर सेकेंड जितनी डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलते हैं, वेव स्पीड. कैन यू टेल मी दिस स्मॉल क्वेश्चन आंसर, अभी तो इतना पढ़ा दिया, अभी भी नहीं कर पाओगे तो दैट मीन्स प्रॉब्लम है. पहले बताओ कितनी वेव्स हैं टोटल. सिक्स. गिन के देख लो कितने पॉइंट रखे मैंने, 1 2, यहां तक एक वेव हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 6. अगर 6 वेव्स हैं 15 सेंटीमीटर में, एक वेव की डिस्टेंस कितनी आएगी, लैम्डा इक्वल टू 15/6 और नॉट, यस और नो बोलो. यस सर. ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ, 2.5, एंड वेव नंबर कितना आएगा, 1/2.5, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.4. मतलब पर सेंटीमीटर सिर्फ यहां पे कितनी वेव्स आ पा रही हैं, देख लेना एक बार जो मैंने लिखा है. न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1/λ, 1/λ कितना होगा, 0.4. मतलब एक सेंटीमीटर में सिर्फ 0.4 वेव इज पॉसिबल. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल टाइम कितना लगा है, 12 सेकेंड्स फॉर 6 वेव्स. कितनी वेव्स हैं ये, 6 वेव्स. तो 1 वेव के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड. टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 सेकेंड.
न्यू कितना आएगा, 1/2, दैट इज 0.5 हर्ट्ज। मतलब एक सेकेंड के अंदर आधी वेव सिर्फ ट्रेवल कर पा रही। इन वन सेकेंड वी आर सीइंग ओनली हाफ वेव, टू सेकेंड में वन वेव। दिस वन वेव इज टेकिंग टू सेकेंड टाइम। दिस वन वेव इज हैविंग डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। वेव स्पीड कितनी आएगी? दो तरीके हैं, एक न्यू इक्वल टू न्यू लैम्डा से लगा सकते हो। न्यू कितना निकाला, 0.5, मतलब 0.5 वेव्स एक सेकेंड में, और हर एक वेव की डिस्टेंस कितनी है, 2.5। तो टोटल जो है एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, आ जाएगी। कितना आएगा वो, 25 5 = 125, और दो के बाद 1.25। हाँ, क्या यूनिट आएगी, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ध्यान रखना, जो यूनिट तुमने यहाँ रखी है वही यूनिट पे आंसर आएगा। सो कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू वांट। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना, एक डायरेक्ट लगा सकते थे वेलोसिटी। इस वेव ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 15 सेंटीमीटर, कितने टाइम में, 12 सेकेंड में। तो 15/12 आएगा डायरेक्ट ना, इसको भी सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। आई होप सबने किया होगा किसी ना किसी वे से, कोई ना कोई तो तरीका लगाया होगा, बट कर लिया था कि नहीं कर लिया था। सर कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, दिस इज द वेव ना, सेम वेव इज देयर, यही तो आगे जा रही है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर की वेव ने पूरा, 15 सेंटीमीटर। कितना टाइम लगा वेव को, 12 सेकेंड। सॉल्व करो, 1.25 आएगा, 12 आएगा, उसके बाद कितना बचेगा, 30, 12 24, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 5 60, 1.25 आंसर आएगा। ओके, इसको याद कर लो, इसको याद रखना, भूलना नहीं। नोटेशन सर इतना ज्यादा मैंने क्यों सिखाया, बिकॉज जस्ट आई हैव टू ट्राई टू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज द वी, व्हाट इज द न्यू। ये नाम याद रहने चाहिए, दैट्स इट। न्यू और वी क्या है, लैम्डा क्या है, टी क्या है, ये बार बार पूछना नहीं है तुम्हें, एक बार में समझ जाना है। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, न्यू बार जो वेव नंबर है, वी जो है वेलोसिटी और वेव स्पीड है, टी इज टाइम पीरियड, लैम्डा इज वेवलेंथ, दैट्स इट। अब आता है सबसे लास्ट में एम्पलीट्यूड। पिछली क्लास में भी एम्पलीट्यूड पे थोड़ी बात करी होगी मैंने, आई थिंक, या प्रैक्टिस सेशंस में सिखाया होगा तुम। ये जो है एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ए हाइट ऑफ द वेव और डेप्थ ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ द वेव, या हाइट ऑफ द क्रेस्ट ऑफ वेव, और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर और मीटर, जो भी यूनिट में तुमने लिखना है वही इसकी यूनिट हो जाएगी। मतलब लेंथ की यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे। किसी को ऊपर का नोट करना बचा था क्या अभी तक का, आगे बढ़ सकते हैं सर? एम्पलीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं? एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए। तो फिजिक्स में ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, तब तक के लिए वेट करो। इससे हम पता लगाते हैं, साउंड वेव्स में पढ़ते हैं इसको। एम्पलीट्यूड से वेव की एनर्जी भी डिफर करती है। एनर्जी ऑफ वेव्स इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बट ये हमारे यहाँ पे किसी भी काम का नहीं है, ये सब काम आएगा वहां पे फिजिक्स में।
आगे बढ़े। यस सर। तो हमने वेव नेचर ऑफ लाइट लिखाया था थोड़ा बहुत कि नहीं लिखाया था? नोटबुक में देखो सर। वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं किया है स्टार्ट ना। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? वेव दो तरीके की हो सकती है, लाइट दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है वेव नेचर ऑफ लाइट, ये भी बहुत हमारे काम का है, बिना इसको पढ़े हुए इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि बोहर का मॉडल इसी चीज पे बेस्ड है। बोहर का मॉडल इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वो बोहर को भी नहीं पता था कि वो इस पे है, लेकिन है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट को हम लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब जो हम सनलाइट को देखते हैं या जो हमारे पास व्हाइट लाइट किसी बल्ब से आती है, उसमें वेव नेचर भी होता है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव्स की, वेव्स के अंदर क्या एक करैक्टरिस्टिक होता है कि वेव जो होते हैं वो एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, ग्लो, एक दूसरे में कंबाइन कर जाते हैं। दूसरे में क्या कर जाते हैं, कंबाइन। मतलब ये अगर एक वेव है, दूसरी वेव से कंबाइन करके एक बड़ी वेव बनाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं मेन। वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे मैं लिखाने जा रहा हूँ, फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब चीज, सब लोगों को मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रैक्टिस सेशंस में सिखाया था हल्का हल्का क्या ये होता है। इस क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे जब भी आएगा ये। शुरू में साइंटिस्ट मानते थे कि जो वेव है, जो लाइट है, वो सिर्फ वेव नेचर है। स्टार्टिंग में जो न्यूटन और हाइगेंस थे, इन सब ने माना था कि भाई ऑप्टिक्स जब इन्होंने बनाई थी फिजिक्स में पढ़ने के लिए, इन सब ने माना था कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर की बात करते ही नहीं थे ये लोग, है ना। तो जो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी और हाइगेंस ने जो अपनी थ्योरी दी थी वेव फ्रंट थ्योरी, उन सबके अंदर इन्होंने माना था कि जो लाइट होती है उसके पास वेव नेचर होता है। लाइट इज अ वेव, जैसे मैंने वेव ऊपर पढ़ाई है वैसी वाली वेव, ठीक है। इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, इसके पास जो है एम्पलीट्यूड होता है, इट इज नॉट अ पार्टिकल, ऐसी बातें इन्होंने करी थी। अच्छा, हमें ये तो पहले से पता है कि जो लाइट है वो मासलेस है, लाइट के पास कोई मास नहीं होता है। अगर मैं एक घंटे धूप में बैठूं तो मेरा जो मास है वो थोड़ा भी चेंज नहीं होगा लाइट की वजह से, वी विल जस्ट गॉट एनर्जी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट में दो फेनोमेनाज हैं, तो लिखेंगे ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट्स, फेनोमेना। पार्टिकल नेचर ऑफ, ये कौन सा इफेक्ट रहता है सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें, है ना। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन निकला। तो लिखेंगे फेनोमेनन्स विच प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट। ऐसी चीजें जो वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करती हैं, उसके अंदर पहला है इंटरफेरेंस। कितने लोगों को मैंने इंटरफेरेंस पढ़ा चुका हूं प्रैक्टिस सेशन में? हैंड रेज करें जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इंटरफेरेंस इन द प्रैक्टिस अभ्यास सेशंस? जल्दी से हैंड रेज करो। ऐसा कोई है जिसको मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया है क्लब के हिसाब से? क्लब वॉटसन कौन है इसमें? Anyone is from Club Watson? कोई नहीं है? उसमें नहीं पढ़ा गया तुम लोगों ने? देखो, सुनो मेरी बात। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज दिस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब एक के ऊपर रख देना, और कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफियरेंस, इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। देखो, ये एक वेव जा रही है,
और एक वेव इधर से आ रही है, जिस समय ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जिस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्योंकि इनका जो फेज है वो दोनों का पॉजिटिव वाई एक्सिस के सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, दोनों के लोब्स ऊपर हैं कि नहीं बताओ, यस और नो। इसका एम्पलीट्यूड मान लिया ए वन है, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया ए टू है। जिस समय क्रॉस करेंगे उस समय इन दोनों के एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनके जो लोब्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो। सुपर इम्पोज होंगे तो इनके वेव्स एड हो जाएंगे और हमें एक बड़ी वेव मिलेगी लाइक दिस। हमें क्या मिलेगी, एक बड़ी वेव एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। उसको मैं अलग से बना देता हूँ, सिंपल सी वेव, एक एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग यू विल गेट अ बिग वेव, यू विल गेट अ बिग वेव। तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द टू वेव्स विल कंबाइन विथ ईच अदर, विल कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ बिग वेव फॉर अ शॉर्ट टाइम। दिस सुपरपोजिशन which results in, देखो अगर मैंने वेव नहीं पढ़ाया होता तो टर्म समझ में नहीं आते, लेकिन अभी तुम्हें वेव्स पढ़ा दिया गया तो टर्म समझ में आ जाएंगे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है। which results in a large amplitude is called constructive interference। क्या बोलते हैं उसको, constructive interference। constructive मतलब बन गया, कुछ बनाया है तुमने, क्या बनाया तुमने, एक बड़ी वेव बनाई है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होके ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गाइस। एग्री, इसको नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो, आई एम गिविंग यू टाइम सम फॉर 15 to 30 seconds, 30 to 45 seconds जो है। सर सर शेयर्ड टाइम क्या होता है, क्या टाइम, नाम नाम लिख के बताओ मुझे क्या है उसमें कमेंट में, समझ में नहीं आया मुझे। शॉर्ट लिखा है अगर, शॉर्ट, हाँ इसीलिए नहीं समझ पाया, शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट शॉर्ट मतलब कम, थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे तुम ट्रेन पे बैठती हो ना, लोकल में तुम जैसे बैठे हो, तो ये लोकल हमारी जा रही है इधर, है ना, दिस इज अवर लोकल। अब इस लोकल को एक लोकल क्रॉस करती है, क्रॉस करती है कि नहीं, क्या उस समय एक तेज आवाज आती है कि नहीं आती, बताओ, बोलो आती है कि नहीं आती, अकेली चल रही है तो कम आ रही है, जब क्रॉस करी तो ज्यादा आई, क्यों, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं उनका वहां पे इंटरफेरेंस हो गया, जो बीच की हवा थी वो पहले क्या रही थी, दूर जा रही थी, जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन अभी बीच में ही दब गई पूरी साउंड और काफी ज्यादा आवाज सुनाई देती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द साउंड वेव्स। जैसे एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक बच्चा बोल रहा है तो बाहर वाले आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता ज्यादा, बोलता है कि चलो बच्चे अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन अगर मान लो 30 बच्चे हैं और 300 बच्चे नॉर्मल पिच में ही बोलने लगे, चिल्ला नहीं रहे, दे आर जस्ट टॉकिंग, तो बताओ बाहर वाले को सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा, तो साउंड सुनाई देगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अकेले बोलते हो तो साउंड अकेले का प्रोड्यूस होता है, चार आदमी बोलते हैं, जैसे मार्केट होती है, जो बाजार होती है, तो बाजार जो होती है उसमें क्या होता है, मान लो जो सब्जी मंडी है उसमें चले गए तुम, वहां पे क्या होगा, ज्यादा कोई चिल्लाता नहीं है, सब बोलता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मच साउंड इंटरफेरेंस इज देयर, और सबको ज्यादा सुनाई देता है, ज्यादा सामान सुनाई देती, आवाज सुनाई देती, ठीक है।
जैसे स्पीकर्स का वो बनाते हैं। सर एक बार वेव नेचर ऑफ लाइट का डेफिनेशन बोलो ना। इसका डेफिनेशन कहाँ कुछ है, इसकी कैसी डेफिनेशन दो बताओ। वेव नेचर ऑफ लाइट तो समझाना है ना, उसमें कोई टर्म ही नहीं है, उसकी डेफिनेशन कैसे दें। वेव नेचर ऑफ लाइट मीन्स लाइट हैज वेव नेचर, हो गया डेफिनेशन। और कैसी डेफिनेशन दो, मतलब जैसे मैंने बोला कि मतलब कैसे क्या समझना क्या चाहते हो तुम, ये बोलो। डेफिनेशन के पीछे नहीं पढ़ो, वी डोंट हैव टू डिफाइन एनीथिंग एवरीथिंग, जस्ट हमें ये बताओ कि तुम्हें इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा। लाइट हैज वेव नेचर, वेव नेचर तो पता चला क्या होता है ना। हाँ सर। वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव इज एनर्जी, वेव पास द एनर्जी। अब उसमें सब तो नहीं लिखेंगे कि लाइट हैज एनर्जी, लाइट इवन लाइट ट्रेवल्स इट ट्रेवल इन द इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ये सब है उसके अंदर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट इज वेव नेचर, लाइट हैज वेव नेचर, दैट्स इट। अच्छा हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि लाइट को बोलते हैं, वो थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर के बाद। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जिन बच्चों ने मेरे अभ्यास सेशंस किए उनको मैंने सिखाया होगा ऐसा कुछ। कितने लोग को सिखाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसा कितने लोग ने सिखाया, एंकरेज करें। लाइट के चक्कर में कई सारे बच्चों को मैंने सिखाया एक्चुअली, वॉटसन क्लब, डार्विन क्लब, और नाम भी भूल गया हूँ मैं, वो सब क्लब, बोर्स क्लब, टेस्ला, व्हीलर, एवरीथिंग, सब में पढ़ाया मैंने यही चीज। ओके, तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द टू वेव्स विल कंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ बिग वेव फॉर अ शॉर्ट टाइम, दिस सुपरपोजिशन रिजल्ट्स इन द लार्ज एम्पलीट्यूड दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, कुछ बच्चों को पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ तक लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके हो? लिखा सर। बहुत अच्छी, क्या होगा अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए, क्या होगा अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, थोड़ी ज्यादा ही शार्प हो गई, इसको बना लेना तुम लोग, इधर से मैं शायद बन जाए मुझसे, यस अब बन गए। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कैन यू टेल मी। मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल क्रॉस। ये एरो देखो, एरो ये इधर आ रही है, राइट टू लेफ्ट, ऊपर वाली किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट। व्हेन दे विल क्रॉस व्हाट विल हैपन, can tell me, something like this will happen, yes or no, when they will cross, ye upar ye niche ek dusre ko cancel out kar denge, kya kar denge ek dusre ko cancel out, and you will get destruction at the time of crossing, you will get nothing, you will get a line with no amplitude. If the amplitude is same, तो लिखेंगे when two opposite waves cross each other, then at the time of crossing, we get a smaller amplitude wave or zero amplitude wave due to the combination, ऐसा नहीं होता हमेशा construction में result करे। जैसे 4 और -4 का कॉम्बिनेशन करोगे कितना आएगा बोलो, जीरो आएगा ना। तो कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है साइन क्या है कॉम्बाइन करने के टाइम, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्शन कर दिया इसने, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ में, नोट करो जल्दी से। ऐसी वेव्स
जो गाड़ी में साइलेंसर लगा होता है, देखें व्हीकल्स, देखें तुमने, जैसे कोई हमारी मान लो एक कार है ना, ये अच्छी नहीं दिखने वाली एक मेरी कार है, मान लो कोई, दैट इज अवर कार, ये कोई है किसी की कार है, मान लो तुम्हारी कार है ये। अब इसमें साइलेंसर लगा होता है, क्या लगा होता है इसमें, यहाँ पे लगा होता है साइलेंसर, यहाँ कहीं पे लगा होता है, इधर से ऐसे अंदर से निकाल के लाता है। तो ये साइलेंसर मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो साइलेंसर क्या करता है, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी अपोजिट वेव बनाता है, उसकी क्या बनाता है, अपोजिट वेव, जिससे कि ओवरऑल साउंड कैंसिल हो जाए। ऐसे जो ट्रू नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं, नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, मान लो तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइज जो है वो कुछ इस तरीके के प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, तुम्हारे घर में कुछ चल रहा है पीछे, तो ये जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी एक अपोजिट साउंड बनाते हैं लाइक दिस, और इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। जब इनका अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होगा तो यू विल गेट व्हाट, बोलो, ए सिंपल लाइन विच हैज नो एम्पलीट्यूड। आया समझ में साइलेंसर्स कैसे काम करते हैं, साइलेंसर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे काम करते हैं। जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स है, ट्रू नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक वेव ऐसी बनाते हैं वो, उसकी अपोजिट वेव, और उस अपोजिट वेव को जोड़ देते हैं, जोड़ने से क्या होता है, एक लो एम्पलीट्यूड वेव और ऑलमोस्ट जीरो प्रोड्यूस होती है, मान लो ऐसी कोई जिसमें कुछ सुनाई नहीं देगा तो दैट्स इट। तो व्हेन द अपोजिट वेव्स क्रॉस ईच अदर देन एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग वी गेट अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड वेव और जीरो एम्पलीट्यूड वेव ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को और भी क्या नाम बोलते हैं, आउट फेज कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, फेज मीन्स डायरेक्शन, आउट फेज कॉम्बिनेशन। और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, इन फेज कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, इन फेज कॉम्बिनेशन। किसी को नोट करना बचा है डिस्ट्रक्टिव में, एनी पार्ट बोलो, बचा कि नहीं बचा, नो सर, डन। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मेरे पास एक साइवन है लाइक दिस, और मेरे पास एक साई टू है, सेम टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, बोलो, कंस्ट्रक्टिव होगा ना, सेम डायरेक्शन है, वेव प्रोपगेशन जो है वो इनका एक साथ हो रहा है, ये ऊपर तो ये ऊपर, ये नीचे तो ये नीचे, एक बड़ी वेव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक बड़ी वेव मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यस सर, सो दिस इज अवर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज कॉल्ड अवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मेरे पास एक साई वन है और मेरे पास एक साई टू है, लेकिन जो साई वन है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ, लाइक दिस, ऐसे हो गई, अरे ये साई वन है, और मेरे पास जो साई टू है वो कुछ ऐसे जा रही है, इसके नीचे नीचे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, ये मान लो एक दूसरे के जस्ट नीचे है डायरेक्शन और फेज सेम है, तो बताओ कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव होगा। हाँ जी, समझते जाना है, और वॉटसन डार्विन जो एक्सेट्रा जो भी है क्लब वगैरह उन सबको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये तो उनका रिवीजन हो रहा है, उनका क्या हो रहा है रिवीजन, तो वो छोटी सी मिलती है ऐसी, तो इन जो इवनिंग बैच टू है उसके जो भी क्लब्स हैं उन सब में लगभग मैंने ये सब पढ़ाया है, तो ये हमारा बहुत छोटी सी कोई वेव आएगी, अगर ये एम्पलीट्यूड मान लो इसका ए टू है, ए वन इसका है और इसका क्या है ए टू, तो जो मैंने दिखाया उसके अकॉर्डिंग ए वन बड़ा है या ए टू बड़ा है, ए वन बड़ा है ना, ऊपर वाली वेव बच रही, देखो
या नीचे वाली बच रही है? नोट करो, इसको भी नोट करो, नोट करते चलो, और कोई काम नहीं है तुम्हारा, समझना है नोट करना है। एंड मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ सर, अगर वीडियो देखना चाहते हो तो यस करो, क्योंकि अगर समझ आया है तो अच्छी बात है, तो वीडियो की जरूरत है नहीं वैसे, बट जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए दिखाना पड़ेगा। सर एक मिनट, मैं कंप्लीट कर रही थी। अभी लिख रही हो? चलो रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ फिर लिख लेने दो बाकी लोग का, अभी तुमको वीडियो दिखाता हूँ मैं, उसमें देखना, ध्यान देना, ध्यान देना, कितना आसान एक्सपेरिमेंट है, घर में कर सकते हो, लेकिन वो सामान मिलना मुश्किल है जो उसमें है। अभी समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ मुझे कि वेव नेचर है तभी तो ऐसा हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट ऑफ नेचर, वेव नेचर ना, अगर वेव नहीं होती लाइट तो लाइट क्या इंटरफेरेंस दिखा पाती, क्या लाइट इंटरफेरेंस शो कर सकती है फिर? नहीं। तो तुम्हें एक पढ़ाया जाएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ाया जाएगा तुम्हें, एक स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में, उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे अंधेरा हो जाता है और उजाला हो जाता है जब वेव्स आपस में कंबाइन करती हैं, लाइट वेव्स, कहीं पे अंधेरा कहीं पे उजाला ऐसा, तो ये सब देखने को मिलेगा तुम्हें फिजिक्स में, इंटरफेरेंस होता है उसमें, है ना। कोई पतली सी स्लिट से अगर तुम लाइट पास करो अंधेरे कमरे में, टॉर्च लगाओ एक रेजर पे ब्लेड पे, तो उसमें तुम देखोगे फ्रिंजेस बनेंगे, क्या बनेंगे, फ्रिंजेस, कहीं पे अंधेरा होगा कहीं पे उजाला होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो वो चीजें अभी यहाँ पे नहीं करा सकते, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स, लेकिन जो मैंने तुम्हें सिखाया है उस पे वीडियो है मेरे पास, दिखा दूं? Yes. अभी देखना थोड़ा उसमें दिमाग लगाना, उन्होंने कम टाइम में ज्यादा काम किया है, सो बच्चों तुम्हें समझना पड़ेगा। वो वीडियो दिखी, स्क्रीन दिख गई? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया कुछ, बताओ कैसा इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव था कि डिस्ट्रक्टिव? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया, अच्छा ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, समझाऊंगा। देखो ये क्या है, इनके पास एक इनके पास फ्लेक्सिबल रोप समझ लो है, मेटेलिक, जिसमें क्या है फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अपने वायर्स होते हैं ना बहुत जगह पानी वगैरह पास करने के लिए यूज करे जाते हैं, उस तरीके वायर है। अब क्या है, जब जब ये इसको ऐसे जर्क करेंगे तो उसमें वेव वेव निकलेगी ना, जब किसी रोप को जर्क करते हो वेव बनती कि नहीं बनती उसमें, बोलो जल्दी। यस सर। अब ये वेव इन्होंने बनाई और वहां पे ग्लास रखे हैं, तो इन्होंने डिस्टेंस इस तरीके से रखी है कि जो वेव्स की नॉर्मल एम्पलीट्यूड है उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ग्लास रखा है, तो जब तक वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगी तब तक ग्लास गिरेगा नहीं, लेकिन अगर वेव्स जो उस डायरेक्शन से आ रही है और इस डायरेक्शन से आ रही है दोनों तरफ से अगर एक जगह पे आकर के कंबाइन कर गए तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा और वो ग्लास से टकरा जाएगा तो ग्लास गिर जाएगा, मतलब जहां पे मैं रोकूंगा वहां पे देखना। अभी देखो अभी ये वेव तो उधर जा रही है, अभी जब ये उधर पहुंचेगी तो उधर से भी एक वेव चलेगी। Now there are two waves. सब लोगों को दो वेव दिख रहे हैं कि नहीं? Can you see? अब ये two waves का amplitude दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बराबर है कि नहीं है? Almost. अब जब ये क्रॉस करेंगी तो बताओ एक दूसरे की तरफ आ रही है, जो जो मेरे राइट साइड में है, जो उस जमीन में बंधी हुई है किसी चीज से, है ना,
उससे जो बंदी है वो किधर आ रही है, लेफ्ट साइड, और जो इस लड़के ने पकड़ा है, जो ये भी रिसर्चर है, इसने पकड़ा है, ये लेफ्ट से राइट जा रही है, देख रहे हो कि नहीं? अब जब ये पास करेगी तो देखना क्या होगा, क्या बड़ी वेव दिखी है? कैन यू सी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर? यस सर। क्या वो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? अभी समझ में आ गया सर, ये वेव आगे भी जा सकती है और पीछे के डायरेक्शन में भी आ सकती है ना? देखो जब इसने पहला जर्क दिया तब तो वेव सिर्फ देखो इधर जा रही है, उधर ही जा रही है ना अभी, लेकिन जब उधर से टकराएगी तो दो वेव्स हो जाएंगी, एक इसके हाथ से और एक उधर से। देखो अब दो वेव्स हैं यहाँ पे, देखो पीछे वाला थोड़ा, हाँ ये देखो, ये गिरने के पहले अभी गई, अब वापस आई, देखो ये तो ये वेव उधर बंधी है ना, इसलिए उधर से वापस आई। अगर वहां पे तुमने बांधा नहीं होता तो फिर वापस नहीं आ पाती। उसको उधर जब बांध दोगे ना तो वापस, एक तुम घर में करके देख सकते हो, ये किसी बढ़िया चीज से उसको बांधना ताकि घूमे नहीं रस्सी, और जब जर्क करोगे तो तुम्हें मिलेगा वापस देखने को कि वापस उधर से भी वेव आती है, और वो वेव्स अगर आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगी तो इस तरीके से ग्लास गिर जाएगा। तो यस, वेव दोनों तरफ से चल सकती है ना? समझ में आया? आगे बढ़े, डिस्ट्रक्टिव दिखा दे, डिस्ट्रक्टिव देखना होगा। देखो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि रोक के समझाऊं? देखो मैं दिखाता हूँ क्या हुआ इसमें। यहाँ देखो अभी इन्होंने क्या किया है, जर्क दिया है, अब देखो दोनों लोग हैं, इधर भी एक इधर भी एक, दोनों लोग इसको यूज कर रहे हैं ताकि एक साथ में हिलाएंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, दो वेव्स बनेंगी। अब मुझे बताओ ये वाली वेव जो उस राइट साइड वाले आदमी ने पकड़ी है वो किधर जा रही है, अप है कि डाउन है? अप है। और नीचे वाले ने जो वेव इधर से भेजी है वो किधर है? डाउन। क्योंकि इसने अपने राइट साइड धक्का मारा था तो इधर गई, उसने अपने लेफ्ट साइड धक्का मारा था तो उसने अपने राइट साइड मारा था, ये इधर बैठा है तो उसकी उधर गई, एक ऊपर एक नीचे। क्या ये जब क्रॉस करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ना देखना, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे वेव बिल्कुल कम हो जाएगी, और जो क्योंकि इन्होंने जो ग्लासेस रखे ना वो इतनी पास रखे हैं कि नॉर्मल वेव से वो गिर जाते हैं, अभी पास में रखे हैं। देखो कितनी कम डिस्टेंस है यहाँ पे, देखो इधर राइट साइड में डिस्टेंस दिख रही है ग्लास और इसके बीच में, तो ये ग्लास गिरेंगे सर, ये उल्टा नहीं हो सकता था सर, इसका ऊपर और बाजू वाले का नीचे? हाँ वैसा भी हो सकता था, उसमें क्या होता, उसका पहले ग्लास गिरता है, इसका बाद में, जो गिरे हुए ग्लास है उधर हो जाते, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अभी ग्लास इसके गिरे पहले ना, उसके बाद में गिरे, देखना। तो जब ये बीच वाला ग्लास जो नहीं गिरता है वहां पे देखना, नाउ देखो ये भी पास करने जा रही है, देखो पास कर गई है, जिस समय उस समय वेव जीरो हो गई थी, देखना ध्यान से, एकदम जीरो हो गई, जीरो हो रही कि नहीं वेव? क्या वेव कम हो रही है कि नहीं, कम हुई कि नहीं? ध्यान से देखना, क्रॉस करते हुए देखो वेव बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये देखो खत्म हुई, अभी फिर से पड़ी तो ग्लास बच गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बता दे, बस इतने ही समझो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास, इतने ही है बस, ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे इसको भराना है, अब बोलो आएगा समझ में, आएगा कि नहीं आएगा? तो यही होता है इंटरफेरेंस, जैसे ये मैकेनिकल वेव थी वो, दैट वाज अ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप, वैसे लाइट में भी होता है, लाइट वेव्स में भी ऐसा होता है,
जब लाइट वेव्स एक दूसरे पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब आउटफेज कॉम्बिनेशन करती हैं तो कैसा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फ्रिंजेस में देखने को मिलता है। किसी गड्ढे से अगर लाइट पास हो, स्मॉल होल से, है ना, लाइट अगर कोई स्मॉल होल से पास हो जिसमें क्या हो, स्मॉल होल थोड़ा सा इस तरीके का हो, मतलब साफ सुथरा ना हो, तो इसके किनारों से जब लाइट पास करेगी, है ना, यहाँ से, तो उसके वेव फ्रंट्स बदल जाते हैं। और जब वो आगे जब लाइट जाती है ना, तो किसी पर्दे पे हम देखते हैं तो हमें कई जगह बहुत ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं, कई जगह अंधेरा मिलता है, कई जगह क्या मिलता है, अंधेरा, दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो एक छोटे से ब्लिट से पास करके देख सकते हैं, बट वो इतना सेफ नहीं है, बट यू कैन सी। ओके, अच्छा, ये तो हमारा हो गया पार्टिकल नेचर। अच्छा, डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफ्रैक्शन? ये भी एक सेकंड प्रॉपर्टी है व्हिच सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, बोलो। तो जब कभी भी हम कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं वेव के डायरेक्शन में, वेव के सामने, तो उस ऑब्स्टेकल की वजह से वेव अपने पाथ से बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ वेव। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन वी प्लेस या पहले से रखा हो नेचुरली, व्हेन वी प्लेस ए बैरियर इन द वे ऑफ वेव्स, then waves bend when they cross the barrier. This is called diffraction. बोलो हर्षद, समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा? तो डिफ्रैक्शन कैसे आता है, देखो जैसे कोई साउंड वेव है, ये यहाँ से कोई बोल रहा है, यहाँ पे कोई साउंड सोर्स है, साउंड का सोर्स कैसे बनाते हैं, कोई स्पीकर जैसा बनाते हैं ना, मुझे भूल गया हूँ कैसे बनाते हैं, ये मान लो साउंड सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर, तो इसमें से ऐसे साउंड निकलता है, ऐसे निकलता है साउंड। अब अगर सामने मैंने एक बैरियर रख दिया, मैंने क्या रख दिया, एक बैरियर, तो जहां मैं बैरियर रखूंगा तो साउंड यहां से बेंड होने लगेगा, यहां पे साउंड क्या होने लगेगा, बेंड होने लगेगा, तो फ्रॉम द बैरियर द साउंड विल बेंड, ऐसे बेंड हो जाएगा साउंड, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ वेव्स, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ वेव्स, साउंड क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, साउंड क्या हो जाता है, बेंड, साउंड मतलब टकरा के दूसरी डायरेक्शन में भी जाता है। जैसे तुमने देखा होगा एक पुराने से उसमें चले जाओ खंडहर में जाते हो, एक बार बोलते हैं तो कितनी बार सुनाई देता है, बोलो कितनी बार सुनाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं क्या? यस सर। तो वो साउंड क्या होता है, वहां पे साउंड बेंड नहीं हो रहा है, जस्ट साउंड क्या हो रहा है, वेव नेचर दिखा रहा है, साउंड इज किसी चीज से टकरा रहा है और वापस आ रहा है ना। तो ये कई जगह पे यूज किया जाता है, जो ऑडिटोरियम बनाया जाता है ना, ऑडिटोरियम, उसमें क्या होता है, आदमी धीमे भी बोलता है सबको सुनाई देता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है उनको कि जो इको हो वो कम से कम प्रोड्यूस हो लेकिन साउंड सबको प्रॉपर मिलता रहे, तो जो साउंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी सब यूज किया जाता है। सर वहाँ ना साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट के, जैसे इको में डिफ्रैक्शन हो रहा है, यस, बट रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन इज देयर बट रिफ्लेक्शन इज आल्सो देयर, डिफ्रैक्शन इज ए कंटीन्यूअस फेनोमेना, ऐसा नहीं होता कि कहीं कहीं होता है, बट इको इज जस्ट नॉट ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड यहाँ पे पड़ा साउंड वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेंडिंग का मतलब क्या होता है, बैरियर आया, एक आदमी खड़ा था, अब किसी ने मैंने बोला तो इससे ये बैरियर है साउंड के लिए, इससे टकरा के साउंड
बेंड होकर के आगे चला जाएगा, ये इसको रोक नहीं पाएगा साउंड को। मतलब मैंने बोला, मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, वो ऐसा नहीं होगा साउंड उससे पूरा रुक जाएगा, वो बेंड होकर के कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग द साउंड। और इको जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि इस क्लास में नहीं बता सकते, वो फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग में साउंड सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं, सिविल इंजीनियर्स को या इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स को या माइनिंग इंजीनियर्स को या मैकेनिकल को, उसमें पढ़ोगे इको कैसे प्रोड्यूस होता है। यस, दैट इज सिंपल फिनोमेना, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ वेव्स, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ इको जो है, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ वेव्स, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। हमने बोला और दीवार से टकरा के वापस आ गया मेरी तरफ, तो डॉपलर्स इफेक्ट इज ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन दिस। डॉपलर्स इफेक्ट जो है इस फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। डॉपलर्स इफेक्ट बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब डॉपलर्स इफेक्ट ये बोलता है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कोई गाड़ी हमसे दूर जा रही होती है या जो गाड़ी हमारी तरफ आ रही होती है, जैसे कोई ट्रेन है अगर वो हमारी तरफ आ रही है तो उसका साउंड मुझे तेज सुनाई देता है नॉर्मल साउंड से, और अगर खड़ी हुई ट्रेन पे साउंड बजाएंगे तो धीमा सुनाई देगा, लेकिन आती हुई ट्रेन का साउंड ज्यादा सुनाई देता है और जाती हुई ट्रेन का साउंड धीमा सुनाई देता है। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इस सबका यूज भी बहुत ज्यादा है, दैट थिंग विल बी डन इन द फिजिक्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव्स। बेंडिंग ऑफ वेव्स मतलब क्या है? मैंने कोई वेव छोड़ी और इसके सामने कोई बैरियर रख दिया तो वेव अपना रास्ता काट के चली जाएगी, आगे बेंड होके चली जाएगी। इट इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सीबल। बेंडिंग ऑफ वेव्स मतलब क्या है? वेव इज फ्लेक्सीबल इन नेचर। इतना याद रखोगे बस। तो भाई डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज नॉट अ वेरी मच बिग थिंग, इट इज जस्ट बेंडिंग ऑफ वेव्स। पार्टिकल होता तो बेंड नहीं होता, पार्टिकल होता तो बेंड नहीं होता। अगर हमारा कोई लाइट सोर्स होता क्या होता? क्या वो बेंड हो पाता? अगर साउंड या लाइट हमारे पास हो क्या बेंड हो पाएगी? फिर मान लो ये लाइट सोर्स है, यहाँ बैरियर रखा है, अगर पार्टिकल के फॉर्म में होता तो क्या इसको क्रॉस कर पाता? फिर नीचे तो कोई पार्टिकल होता तो फिर क्रॉस नहीं कर पाता, पार्टिकल होता तो क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन बेंड करके वो हमें मिल जाता है। तो ये पार्टिकल नेचर यहाँ पे नहीं, कहीं और पे लगेगा। पार्टिकल नेचर इज ऑल्सो देयर, उसका क्या प्रूफ है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है हमें। उसके पहले मैं बता दूंगा कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट EMR है, एक्सरेज हमारी EMR है, जो हम ऑक्सीमीटर यूज करते हैं उसमें भी EMR होता है, एवरीवेयर इज EMR, ठीक है। चाहे वो इंफ्रारेड हो, रिमोट हो, चाहे एक्सरे हो, अल्ट्रा वायलेट रेज हो, चाहे गामा हो, चाहे कॉस्मिक हो, चाहे रेडियो वेव्स। हाँ बोलो सर। हमें बोला था कि चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, या फिर अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो ब्रेक करके। तो सर इसका पूरा खत्म होगा उसके बाद आप लोगे, या फिर बीच में आपने कभी सोचा है कि लेना है ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो टेस्ट जो TWT होगा वो हमारा सिर्फ केमिस्ट्री का हो सकता है, बीच में वो अभी नहीं होगा। उसके लिए मिनिमम जो है स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम के बाद ले सकते हैं उसको, ठीक है। स्पेक्ट्रम अभी सर और कितना टाइम लगेगा? मैं सब पूछ रही हूँ सर। स्पेक्ट्रम में टाइम लगेगा, आई थिंक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन बोहर मॉडल, देन स्पेक्ट्रम, 5-6 लेक्चर्स मिनिमम लगेंगे उसके लिए। ओके सर, चलो बाय बाय। इसके बाद क्लास है क्या? नहीं सर। हाँ तो क्लास हो गई ना हमारी, कुछ बचा इसमें? डन एवरीथिंग? यस सर। यस सर। नोट्स रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, 7:15 तक क्लास है ना? हाँ सर, हो गया, टाइम हो गया ना हमारा। चलो बाय बाय। बाय सर।